हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी सीबीएसई क्लास 12 का चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का फोर्थ पार्ट। अब इस फोर्थ पार्ट में आ रहा है स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन दलित्स ने तो सामना किया ही था उसका, उसके साथ साथ जो आदिवासी थे उन्होंने भी ये इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का सामना किया था, इसके साथ ओबीसीज थे उन्होंने भी सामना किया था। तो ये तो कास्ट एंड क्लास बेस्ड बातें हो गई, लेकिन एक जेंडर बेस्ड भी इनइक्वालिटी जो देखी जाती है और शायद आज भी सोसाइटी में, ये इंडियन सोसाइटी ही नहीं अगर आप वर्ल्ड वाइड सोसाइटी में देखें तो ये इनइक्वालिटी आज भी है, वो होती है वेमेन के साथ। तो पहली जो जो बात है, अगर कभी भी इनइक्वालिटी की बात आती है तो पहले सब लोग बोलते हैं कि जो देखने को अगर जो जो देखने को मिलता है कि जो वेमेन और जो मैन है उनके जो शारीरिक बनावट है उसके हिसाब से जो इनइक्वालिटी है, जो डिफरेंसेस हैं वो उसके कारण जो डिफरेंसेस सोसाइटी में देखे जाते हैं वो उसी के कारण रीज़न के कारण हैं। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ फिजिकल रीज़न ही होता जो इनइक्वालिटी का जो वेमेन सामना कर रही है उसका, तो अगर देखा जाता तो इतने सारे जो नौकरियां हैं, जो पावरफुल पोजीशंस हैं उनमें देखा जाता है तो ज़्यादातर उसमें आदमी ही पाए जाते हैं, औरतों की उसमें जगह नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? अगर सिर्फ फिज़िकल डिफरेंसेस होते तो वो इधर ये जो पोजीशन अचीव करने में वो कहीं भी बाधक नहीं बनते। और उसी तरीके से देखा जाता है कि जब जो फैमिली के जब इनहेरिटेंस की बात होती है तो इनहेरिटेंस में भी बेटे को इनहेरिटेंस दिया जाता है, प्रॉपर्टी दी जाती है, लेकिन लड़की को नहीं दी जाती है। तो इसमें भी जो फिज़िकल डिफरेंसेस हैं उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंसेस हैं उसका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो सोसाइटी का क्रिएटेड है और वो सोसाइटी सोशल है, मतलब वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो ये तो जो जनरल जो डिफरेंसेस हैं ये ज़्यादातर सब जगह देखे जाते हैं, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ इंडिया में हैं जहाँ पे देखा जाता है कि जो नॉर्मल तरीका है जो डिफरेंस मेंटेन करने का, जेंडर इनइक्वालिटी देने का, वो हर सोसाइटी में नहीं है। जैसे कि नायर्स ऑफ केरला एंड खासीज ऑफ मेघालय, इनमें आप खासीज ऑफ मेघालय के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कि जो प्रॉपर्टी है दोनों ही केस में, नायर्स ऑफ केरला एंड खासीज ऑफ मेघालय में, दोनों ही केस में जो प्रॉपर्टी है वो बेटी से बेटी को जाती है। और तो इसलिए इसमें वो तरीका मेंटेन नहीं है जो कि नॉर्मल तरीका होता है कि फादर से बेटे को जाती है। और कई जगह पे अफ्रीकन सोसाइटी में देखा गया है कि जो ट्रेडिंग का पूरा काम है वो वहाँ पे औरतें ही करती हैं और फार्मिंग का भी जो काम है वो औरतें ही करती हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो कि कुछ काम इस तरीके से आदमी के लिए ही हैं और इसीलिए आदमी को बेनिफिट मिलता है या औरतों को बेनिफिट मिलता है। तो अगर देखा जाए तो हर काम कहीं ना कहीं औरतें करते हुए ही जाती हैं। तो इसका मतलब नेचर ने जो फिजिकल डिफरेंस दिए हैं वो तो एक अलग ही बात है, इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं वो सोसाइटी ने ही क्रिएट करे हैं और उसका कोई भी बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है वो इनइक्वालिटी मेंटेन करने का। तो जिस तरीके से कास्ट एंड क्लास में जो एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी मेंटेन करी जाती है हमारी सोसाइटी में, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब जो इसको जो मिटाने के लिए, इसको बराबरी देने के लिए, औरत और आदमी को बराबर का दर्जा देने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स होते आए हैं और पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। और ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं ये हर रीजन में अलग अलग टाइप के रिफॉर्म हुए डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पर कौन सी ऐसी प्रथा थी जिसको बदलने के लिए ज़रूरत थी। तो जो इन इन रिफॉर्म मूवमेंट्स को एक मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी रिफॉर्मर्स थे वो ज़्यादातर मिडिल क्लास सोसाइटी से ही आए थे, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करी थी और उनको तब पता चला था कि जो वेस्टर्न में जो होता है कि जो इंडिया में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो हर जगह पर नहीं अपनाए जाते हैं, तब उनको सही और गलत का ज्ञान हुआ था, तब उन्होंने रिफॉर्म करने की स्टार्टिंग उन्होंने करी थी। उसमें से एक जो पहला
हम जो कुछ इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये तो आप नाम सुनते ही आए होंगे शायद बचपन से ही, कि राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में एंटी सती कैंपेन किया था और उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए थे। उसी तरीके से रनाडे ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एरिया, ब्रिटिश समय के एक प्रोविंस माना जाता था, जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण रीजन और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत सिंध भी आता था, वो पूरा पूरा का पूरा रीजन वहाँ पे उन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि जो भारत में जो प्रथा थी कि पहले ही चाइल्ड मैरिज की प्रथा थी, तो वैसे ही शादी बहुत जल्दी हो जाती थी और शादी के बाद अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो औरत को फिर से शादी करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने उसमें विडो रीमैरिज मूवमेंट शुरू किया था। उसके साथ से जो ज्योतिबा फूले थे थी उन्होंने कास्ट और जेंडर ऑपरेशन जो उनको दबाया जाता है, जो उनको उठने का मौका नहीं दिया जाता है लोअर कास्ट के लोगों को और जो औरतों को, तो ज्योतिबा फूले खुद भी उस बैकग्राउंड से थी और उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ उन लोगों को आगे बढ़ने का उन्होंने रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया। और उसके साथ है सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भी इस्लाम में उन्होंने जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो उसमें इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। अब राजा राममोहन रॉय के अटेम्प्ट में जो जो उन्होंने करा, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में के स्टार्टिंग में उन्होंने सोशल रिफॉर्म शुरू किया बंगाल में, और उसका वो उनका जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो था सती प्रथा के लिए, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। ये एक ऐसा रिफॉर्म था जो पहली बार लोगों के नज़रों में आया कि औरतों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ है जो गलत होती है और उसको ठीक होना ज़रूरी है। और जो राममोहन ने अटैक सती प्रथा ऑन वेस्टर्न रैशनैलिटी, कहने का मतलब है कि जो उन्होंने ऐसे उन्होंने सती प्रथा को अपोज किया, उन्होंने वेस्टर्न रैशनैलिटी मतलब वेस्टर्न तर्क, वेस्टर्न लोगों के तर्क के हिसाब से उन्होंने उसको अपोज़ किया और उन्होंने ये बताया कि जो इंडियन ट्रेडिशन का ये तरीका है ये किसी भी तरीके से मानव अधिकार के और मानवता के साथ नहीं देता है, और ये भी इसमें जो अधिकार हैं मूल मूल अधिकार हैं उसका भी हनन इसमें हो रहा है, और इसमें ये हिंदू शास्त्र में भी इसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से औरतों के साथ होना चाहिए, कि अगर उनके पति मर जाएँ तो उनको भी उनके साथ ही अपना जीवन त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने ये सब दलील दे के उन्होंने ये सती प्रथा का रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। अब जो था कि अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू अपर कास्ट विडो टेकन बाय सोशल रिफॉर्मर रनाडे, तो रनाडे ने जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एरिया में इन्होंने जो विडो रीमैरिज का जो जो मुद्दा था उसको उठाया, और उन्होंने जो जो स्कॉलर थे और जो बिशप जोसेफ बटलर, और उन्होंने उनकी जो रिलीजन एंड थ्री सर्मन्स ऑन ह्यूमन नेचर, ये इसके इन्होंने इनकी जो फिलॉसफी थी इन्होंने इसको पढ़ा था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1860s में। और जो एम जी रनाडे की जो उन्होंने किताब थी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन लॉफुलनेस ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटी फॉर विडो मैरिज, उन्होंने उसमें ये लिखा था कि शास्त्र ने हर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो विडो हो जाए वो शादी नहीं कर सकती है, इसलिए शास्त्र में भी उसको सैंक्शन मिला हुआ है कि विडो की शादी हो सकती है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग उठाए गए। तो जो रनाडे का अगर देखा जाए तो रनाडे ने किस पे डिपेंड करा, उन्होंने बिशप जोसेफ बटलर जो थे जो स्कॉलर थे उनकी जो एनालॉजी, एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी क्या होती है, अगर हम किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं किसी एक तथ्य और दो तथ्य के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनालॉजी। तो इन्होंने किसके बीच में कंपेयर किया, इन्होंने रिलीजन जो धर्म था और थ्री सेरमन्स ऑन ह्यूमन नेचर। सेरमन क्या होता है, सेरमन होता है लेक्चर। तो जो 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 ह्यूमन नेचर
कल्चर के ऊपर जो बातें थी और रिलीजन, इन दोनों का इन्होंने कंपैरिजन किया। और वो जो ये जो कंपैरिजन था, ये जो जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था मॉरल फिलोसफी का, उसका पार्ट था। तो इन्होंने इसको इसको जो एनोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड थ्री सर्मन्स ऑन ह्यूमन नेचर। एनोलॉजी फिर से बताते हैं, एनोलॉजी होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन किसका, धर्म का और ह्यूमन नेचर के ऊपर जो टॉक्स हैं, उस बात हैं, जो तथ्य हैं, उसके बीच में जो कंपैरिजन था, उसको इन्होंने बेस बना के इन्होंने विडो रीमैरिज का तर्क रखा था। और खुद भी इन्होंने किताब जो बनाई थी, उसमें इन्होंने जो शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया था, शास्त्रों में इन्होंने पता करा था, मालूम करा था कि विडो रीमैरिज के बारे ना करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वेल, रनाडे एंड राम मोहन रॉय बिलोंग टू अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्मर्स। तो जो रनाडे एंड राम मोहन रॉय थे, दोनों ही क्या थे, अपर कास्ट के और मिडिल क्लास के सोशल रिफॉर्मर्स माने जा सकते थे। अब आते हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, ये तो जो रनाडे और राममोहन रॉय तो अपर क्लास और मिडिल क्लास के हो गए, लेकिन ज्योतिबा फूले कौन थी? ज्योतिबा फूले, जैसे अभी हमने आपको बताया कि उसी क्लास की थी, तो सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट थी। और उन्होंने आगे पढ़ने की हिम्मत करी, संस्कृत की स्कॉलर बनी, जिसके लिए वो बहुत क्रिटिसाइज भी हुई थी। एंड सो इसे इसलिए उन्होंने जो कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। और जो ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज विद एम्फेसिस ऑन ट्रूथ सीकिंग एंड फूलेज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स ऑन टू लोएस्ट ग्रुप्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्राह्मण कल्चर, वुमेन एंड अनटचेबल। तो इन्होंने एक सत्य शोधक समाज भी बनाया था। और इसमें इन्होंने जो बात लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि सत्य शोधक मतलब सत्य की ढूंढने वाला, सत्य को जो सत्य का ढूंढने वाला समाज, इसका मतलब जो सत्य पे आधारित है, उस पे उन्होंने इन्होंने एक वो बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। और इनका जो मेन एम्फेसिस था, वो विमेन एंड अनटचेबल पे था। इनकी वाइफ ने भी इनका साथ दिया था, और दोनों ने मिल के इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। सर, सैयद अहमद खान का जो एफर्ट्स थे, वो मुस्लिम सोसाइटी के लिए थे। उन्होंने मुस्लिम गर्ल की एजुकेशन के लिए, और उन्होंने जोर दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती हैं पढ़ने के लिए, तो कम से कम घर के अंदर तो उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। और जो दयानंद सरस्वती ऑफ आर्य समाज, उन्होंने वुमेन के जो एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। और उन्होंने ऐसा बोला कि जो उनके लिए ऐसा करिकुलम बनाया जाए, कुछ ऐसा तरीका इसमें जिसमें क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, पूरा एक तरीके से एक ड्राफ्ट कर दिया जाए। और उसमें चाहे तो कोई रिलीजियस चीज़ें भी डाल दी जाएँ उसके साथ, अगर हो सके तो उनको हाउसकीपिंग, घर के रख रखाव के तरीके के भी बारे में बता दिया जाए, हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताया जाए, बच्चों को किस तरीके से ठीक तरीके से बड़ा करना है उनको यही समझा दिया जाए। ये सब बातों को सर सैयद अहमद खान ने जोड़ दिया। लेकिन ये सब बातें आज की डेट में ऐसा लगेगा कि देखो, अभी भी उस समय पे वो जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करते थे, वो लड़की औरतों को यही चाहते थे कि वो घर के अंदर रहें, और वो कुछ बस ये घर के रख रखाव की बात करें और कैसे बच्चों को पालना है यही बात करें। लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन था, जिससे कि ये बात तो शुरुआत हुई, उस समय पर बहुत मेजर चीज़ थी, और इससे ये शुरुआत हुई, ये लोगों को ये समझ में आया, लोगों के ये दिमाग में आया। चाहे शुरुआत जो एजुकेशन की थी, इन्हीं बातों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो बात थी, ये आगे बढ़ी, और लोगों को ये एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ, वेमेन को भी पढ़ने की ज़रूरत है। ना, सोशल रिफॉर्म फॉर वुमेन्स राइट वॉज नॉट एंटायरली फॉट फॉर बाई मेल रिफॉर्मर्स बट ऑल्सो बाई फीमेल। तो जो ये जो वुमेन राइट्स के जो रिफॉर्म्स थे, उसके लिए सिर्फ आदमियों ने ही नहीं जोर लगाया, इसके लिए औरतों ने भी जोर लगाया। टू बुक्स रिटन बाई वुमेन, स्त्री पुरुष तुलना रिटन इन 1882 एंड सुल्ताना ड्रीम रिटन इन 1905, दो दो किताबें लिखी गई थी और इसी मुद्दे पर लिखी गई थी। और उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1882 इतने साल पहले लिखी गई थी, और सुल्तानाज ड्रीम जो कि 1905 में लिखी गई थी। स्त्री पुरुष तुलना में जो था, वो कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन के बीच में लिखा गया था। ये एक महाराष्ट्रन हाउसवाइफ थी,
जिनका नाम था ताराबाई शिंदे, उन्होंने ये किताब लिखी थी ये दिखाते हुए कि आज जो आदमियों की जो समाज में जो आदमी हैं उनके कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वो किस तरीके से अपने बस एक ऐसा समाज उन्होंने बना के रखा हुआ है जिसमें कि सिर्फ आदमी ही डोमिनेट करते हैं। और इसमें अ यंग ब्राह्मण विडो हैज़ बीन सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट फॉर किलिंग हर न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज इट वॉज इलेजिटिमेट, बट नो एफर्ट हैड बीन मेड टू आइडेंटिफाई और पनिश द मैन हु हैड फादर्ड द बेबी। तो इसमें ये उन्होंने एक कहानी में दिखाने की कोशिश करी है कि एक औरत होती है जो कि विडो होती है, उसका विडो होने के बावजूद भी उसका बच्चा हो जाता है और उसको जब बच्चा हो जाता है तो उसको सजा सुनाई दे मौत की सजा दे दी जाती है क्या, क्या क्योंकि उसने अपने बच्चे को मारा होता है क्योंकि वो इलेजिटिमेट क्योंकि वो उसके कोई फादर नहीं होते हैं और वो लेकिन इसको सज़ा मिल जाती है लेकिन कहीं पे भी ये मालूम नहीं किया जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पति जिस आदमी के साथ रहकर उसका ये बच्चा हुआ वो आदमी कहाँ पे है, वो आदमी कौन है, उसको दोषी नहीं ठहराया गया और पूरा बच्चा पैदा करने और बच्चे मारने के पूरा का पूरा दोष उस औरत को दे दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और जो दोहरी प्रवृत्ति है आदमियों की वो इन्होंने इस कहानी में दिखाने की कोशिश करी। अब जो सुल्ताना ड्रीम थी वो लिखा गया था हुसैन द्वारा और ये एक बंगाली मुस्लिम फैमिली अच्छी मतलब अच्छी वेल टू डू बंगाली मुस्लिम फैमिली में को बिलोंग करती थी और इनके जो हस्बैंड थे वो उस समय पे बोलते हैं कि मतलब ये फॉर्चुनेट थी, ये बहुत लकी थी कि इनके एक हस्बैंड जो हस्बैंड थे वो बहुत ही आज़ाद ख्यालात के थे और इन्होंने इनको इनको पढ़ने का मौका दिया, इनको पहले उर्दू मैं पढ़ाई करवाई, फिर बंगाली भी पढ़वाई, फिर इंग्लिश भी पढ़ने का मौका दिया। और ये जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये इंडिया की आप कह सकते हैं कि पहली और बहुत जो एक साइंस फिक्शन है जिसमें कि जो एक या फिर औरत द्वारा लिखी गई पहली फिक्शन है पूरे आप वर्ल्ड में आप कह सकते हैं। इन हर ड्रीम सुल्ताना विजिट्स अ मैजिकल कंट्री वेयर द जेंडर रोल्स आर रिवर्स। इसमें क्या होता है कि सुल्ताना एक ऐसी कंट्री में जाती है जहाँ पे कि जेंडर रोल्स रिवर्स हो गए हैं, मतलब आदमी लोग घर का काम करते हैं और पर्दा में रहते हैं और वेमेन लोग साइंटिस्ट हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन कर रही हैं और रेन को कंट्रोल कर रही हैं, क्लाउड्स को कंट्रोल कर रही हैं और जो ऐसी कारों में घूम रही हैं जो कि एयर में घूमती हैं। इस तरीके से इन्होंने रोल रिवर्सल करके इन्होंने ये कहानी को प्रस्तुत करा है। अब इन 1931 द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इशूड अ डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया वेयर बाई इट कमिटेड इट सेल्फ टू वुमेन्स इक्वालिटी। तो आज़ादी से पहले ही किस तरह का आज़ाद भारत चाहिए है इसके बहुत सारे डिस्कशन शुरू हो गए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक था जो कराची सेशन था जिसमें उन्होंने पहले से ही कुछ तय करा था कि हम जब आज़ाद होंगे तो हम किस तरह का भारत देखना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने जो डिक्लेरेशन था ऑन फंडामेंटल राइट्स सिटीजनशिप इन इंडिया वो उसमें विमेन इक्वालिटी के बारे में क्या क्या दिया हुआ था वो हम लोग पढ़ते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड और सेक्स। तो उस कराची सेशन में जो डिसाइड हुआ था उसमें ये हुआ था कि सारे जो नागरिक हैं वो लॉ के आगे बराबर हैं और में कोई भी भेदभाव नहीं होएगा चाहे रिलीजन के ऊपर, चाहे कास्ट के ऊपर, या फिर सेक्स के ऊपर, या क्रीड के ऊपर, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं किया जाएगा। नो डिसेबिलिटी अटैचेस टू एनी सिटीजन बाई रीजन ऑफ हिज हर रिलीजन कास्ट क्रीड और सेक्स इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ पावर और ऑनर एंड इन एक्सरसाइज ऑफ एनी ट्रेड और कॉलिंग। तो नो डिसेबिलिटी अटैचेस मतलब कोई भी जो परेशानी है, दिक्कत है, वो किसी कोई भी सिटीजन को नहीं दी जाएगी या फिर कुछ कमी नहीं करी जाएगी किसी भी इंसान के बीच में उसके कास्ट से लेकर उसकी क्रीड से लेकर
उसके सेक्स से लेकर, रिलीजन से लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। किस में भेदभाव नहीं करा जाएगा? जहाँ जो सरकारी नौकरी में या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन में जहाँ पे इंसान पावरफुल पोस्ट होए, या फिर कोई भी नौकरी करने में या फिर कोई बिजनेस करने में, कहीं पे भी कोई भी तरीके से भेदभाव नहीं करा जाएगा। और फ्रेंचाइज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और इसका मतलब है कि जो इलेक्शंस भी होंगे उसमें भी 18 साल से ऊपर के सभी लोग, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ वीमेन और अ मैन, दोनों को वोटिंग वोट करने का अधिकार होगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत कुछ ऐसे राष्ट्रों में था जिन्होंने बहुत ही अर्ली यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे दिया था। कई आप अगर आप नेट में देखेंगे तो कई इतने विकसित देश भी हैं जिन्होंने भारत के बाद अपनी औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया था। वुमेन शैल हैव द राइट टू वोट, टू रिप्रेजेंट एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। तो वुमेन को सिर्फ वोट करने का अधिकार ही नहीं होगा, उसको जो इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होगा, और वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करने का भी अधिकार उसको होगा। तो ये कराची सेशन में जो हुआ था 1931 में, उसमें ये डिसीजंस लिए गए थे। अब इन 1970 द एम्फेसिस वॉज ऑन मॉडर्न इशूज, द रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी, डाउरी मर्डर्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलर मीडिया एंड जेंडर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनइक्वल डेवलपमेंट। अब जो 1970s में वुमेन के इशूज़ बदल गए, उसमें ये जो आज जो 1970 में आपकी किताब में पढ़ रहे हैं कि 1970 में बदले, और उस समय पर रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी के बारे में बात हो रही है, लेकिन अभी से लेकर आज तक कितने साल बदल गए, लेकिन आज भी वही इशू आज भी चल रहा है और उसमें अभी कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। डाउरी मर्डर्स, उस समय पे बहुत डाउरी की डिमांड होने लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे वेमेन के एजुकेशन होता गया, अब आज ये डाउरी जो मॉडर्न इंडिया में देखा जाता है वो अभी उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और जो और इस इसके इसके अलावा जहाँ जहाँ उनको लगता था कि औरतों को जो मिसरिप्रेजेंटेशन करा जा रहा है या फिर जो उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करा जा रहा है, तो उसके बारे में भी काफ़ी बातें हुआ करती थी। और जो लॉ वॉज अ मेजर साइट फॉर रिफॉर्म इन 1980s में जब भी कुछ गलत होता था तो उसको लीगल तरीके से उसको ठीक करने का उसको दिया जाता था, और कुछ भी औरतों के खिलाफ नाइंसाफी होती थी तो उसमें लॉ ही काम आता था। द शार्प फॉल इन चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड इम्प्लिसिट सोशल बायस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द न्यू चैलेंजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ जो दिखाई देती है, जो एविडेंट रूप से वो ही नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी वो भी है कि जो अगर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब मेल इज टू फीमेल रेशियो, जो बच्चों के पैदा होते ही जो होता है, अगर उसमें जो और बच्चियों का जो बेटियों का अगर रेशियो कम होता जाता है, तो इसका मतलब वो साफ होता है कि उनके पैदा होते ही उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो वो भी एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट तरीका होता है नापने का कि जेंडर इक्वालिटी मिल पा रही है इस समाज में कि नहीं मिल पा रही है, और समाज अभी भी क्या औरतों के बराबरी के खिलाफ है कि नहीं है। अब ये तो हो गया जो औरतों का बात थी एक्सक्लूजन की और इनइक्वालिटी की। अब इसके अलावा एक और समाज का हिस्सा है जो कि हमेशा इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का सामना करता आता है, और वो है जो है डिफरेंटली एबल्ड, जो जिन लोगों को डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी समाज में कहीं ना कहीं बहिष्कृत और तिरस्कार किया ही जाता है। और तो अब वो उनके बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंटली एबल्ड का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल वैसे भी आप देखें तो
ज़्यादातर विकसित देश तो डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली हो चुके हैं, और अब ये मुद्दा जो है, ये जो सवाल, ये जो इन भारत में भी ये उठता है, आप न्यूज़ में भी देखिए कई जगह पे ये बात उठती है, क्योंकि अब ये लोगों को समझ में आ रहा है कि उन लोगों का भी कोई अपना हक है, और उन लोगों को भी बराबर का हक है, और उनको भी वो मिलना चाहिए। तो अब उनकी क्या स्ट्रगल है, उनकी क्या परेशानी है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। द डिफरेंटली एबल्ड आर नॉट डिसेबल्ड ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड, बट ऑल्सो बिकॉज सोसाइटी इज बिल्ट इन अ मैनर दैट डज नॉट केटर टू देयर नीड। जिस तरह से हम लोगों ने औरतों के लिए पढ़ा था कि औरतों और आदमी के बीच में जो डिफरेंसेज हैं, एक तो नेचुरल हैं, लेकिन उसके अलावा सोसाइटी ने भी वो बहुत सारे डिफरेंसेज क्रिएट करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। तो वैसे ही अगर डिफरेंटली एबल्ड लोगों का देखा जाए, तो सिर्फ फिजिकली ही और मेंटली ही वो कम उनमें कमी नहीं है, उसके अलावा जो सोसाइटी है उसने भी उनकी जो ज़रूरतें हैं उस पर कोई भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करी है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रगल्स ओवर दलित आदिवासी वुमेन्स राइट, द राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड हैव बिन रिकॉग्नाइज ओनली वेरी रिसेंटली। तो जहाँ तक है जो दलित हैं चाहे आदिवासी हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके तो सोसाइटी बहुत पहले ही उनकी ज़रूरत समझ गई और उसके ऊपर एक्शन होने लगा। औरतों की जो प्रॉब्लम थी, जो जेंडर इनइक्वालिटी थी, उसके बाद भी समझ गई, लेकिन जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी जो मुद्दा है, उनका जो परेशानी है, उसको अभी अभी रिसेंटली ही सोसाइटी ने नोट किया है और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू करा है। अब ये जो क्वेश्चन जो बार बार आता है वो है कि कॉमन फीचर्स सेंट्रल टू पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो और जब जनरली लोगों का क्या सोच है डिसेबिलिटी से लेकर, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया भर में लोग क्या सोचते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी इज़ अंडरस्टूड एज ए बायोलॉजिकल गिवन। तो लोग जनरली सोच हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो बायोलॉजिकली दी गई है, मतलब इंसान के शरीर की संरचना में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसी कारण पे डिसेबिलिटी हो जाती है। व्हेन एवर डिसेबल्ड पर्सन इज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड दैट प्रॉब्लम ओरिजिनेट फ्रॉम हिज और हर इम्पेयरमेंट। अगर कोई भी डिसेबल्ड इंसान होता है, उसको कोई भी परेशानी की महसूस होती है, तो लोग सोचते हैं कि उसको परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम है। और जो कहने का मतलब है कि अगर किसी जो कोई इंसान जो कि चल नहीं पाता है और वो व्हील चेयर में है, और अगर उसको सीढ़ी उतरने में मुश्किल हो रही है, तो लोग ये सोचते हैं अरे बेचारा, उसके तो पैर नहीं है तो वो कैसे उतरेगा, और वो या फिर अरे वो पैर तो है नहीं इसलिए तो उसको उतरने में मुश्किल हो रही है। लेकिन कभी भी इंसान ये नहीं सोचते कि उसको कि अगर उसके लिए अगर रैंप बना दिया जाए तो उसको आसानी हो जाएगी, जिससे कि उसको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ना सोचकर उसको उसकी परेशानी का हल ना सोचकर उसको ही परेशानी बना दिया जाता है। डिसेबल पर्सन इज सीन एज अ विक्टिम। तो डिसेबल पर्सन एक विक्टिम की तरह देखा जाता है, पीड़ित की तरह देखा जाता है। डिसेबिलिटी इज सपोज टू बी लिंक्ड विद डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। तो डिसेबिलिटी एक्चुअली क्या है, डिसेबिलिटी इंसान उतना ही डिसेबल्ड है जितना कि वो अपने आप को सोचता है। डिसेबिलिटी इज लिंक्ड विद डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। अगर कोई जो इंसान नहीं अपाहिज है, वो चल नहीं सकता है, तो कोई हो सकता है जिसमें कि हिम्मत है, वो पकड़ पकड़ के भी वो चल ले, तो लोग बोलेंगे देखो ये तो इतना तो कर ही लेता है, बड़ा हिम्मत रखता है, कर लेता है। लेकिन वो अभी भी वो नहीं सोच रहा है कि उसको उसका जीवन आसान करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, और कोई हो सकता है कि बिल्कुल ना कर पाए, तो वो उसको भार समझ लेते हैं। तो डिसेबिलिटी उतनी ही है जितनी इंसान अपने आप को डिसेबल समझता है। इन इंडिया लेबल सच एज डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, क्रिपल्ड, ब्लाइंड, डेफ आर यूज सिनोनिमसली। इंडिया में जो है, जो अपाहिज का शब्द है या फिर हैंडीकैप शब्द है या फिर अंधा या फिर बहरा, ये सब एक दो ये सब शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। और ये शब्द ऐसे ही नहीं हैं जो डिसेबल्ड लोगों के लिए यूज़ करे जाते हैं, ये शब्द ऐसे भी हैं जो एक गाली की तरह भी यूज़
यूज़ करे जाते हैं, अगर किसी को आपको एब्यूज़ करना है या इंसल्ट करना है तो आप ये बोलने से कभी नहीं चूकते, अंधा है क्या? मतलब आपको अंदर से कोई भी उसके परेशानियों का एहसास नहीं है, इसीलिए आप उसको एक गाली की तरह भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। इन अ कल्चर दैट लुक्स अप टू बॉडीली परफेक्शन, ऑल डिविएशन फ्रॉम परफेक्ट बॉडी सिग्निफाई मोर एबनॉर्मेलिटी, डिफेक्ट एंड डिस्टॉर्शन। तो ये जो समाज है, हमारा ही समाज नहीं, पूरे दुनिया में, दुनिया भर में देखा गया है कि जो ये समाज है, ये शरीर का एकदम परफेक्ट होना, एकदम सही रूप से उसका होना, उसी को ही एक्सेप्ट करता है, और शरीर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसको वो डिफेक्ट बोलते हैं या फिर एबनॉर्मेलिटी के नाम दिया जाता है। और ऐसा जो इंसान जिसके शरीर की संरचना पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, उसको या तो बेचारा बोला जाता है या फिर पुअर थिंग बोला जाता है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। और यहाँ तक कि हमारे समाज में तो इसका पूर्व कर्मा की पहले के कर्म हैं जो इस तरह से हो गया, और ये उसका भाग्य है जो इसके इस तरह से हो गया, इस तरह की बातें भी करी जाती हैं। और भाग्य जो एक है वो मेन रीज़न समझा जाता है किसी भी डिसेबल्ड इंसान को और बताने के लिए, और उसको विक्टिम समझने के लिए कि उसको वो हैंडीकैप क्यों हुआ। वो हैंडीकैप इसलिए हुआ क्योंकि बेचारे के भाग्य में यही लिखा था। अब ये और अगर देखा जाए तो जो हमारा जो माइथोलॉजी है या फिर जो पुरानी किताबें, पौराणिक किताबें भी हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको कभी भी उनको एक अच्छे कैरेक्टर में नहीं प्रस्तुत किया गया है, उनको हमेशा एक नेगेटिव कैरेक्टर में ही प्रस्तुत किया गया है, और ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो सही नहीं होते हैं, उनको कभी अच्छा प्रस्तुत नहीं किया, उनको चालाक, चंट और इस तरीके से ही प्रस्तुत किया गया है। और टर्म सच एज मेंटली चैलेंज, विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली इम्पेयर्ड हैव रिप्लेस द नेगेटिव टर्म सच एज रिटार्डेड, क्रिपल्ड और लेम। तो अब लोग जब जागृत हुए हैं और इस बात का उनको एहसास हुआ है, तो इस तरीके से जो जो शब्द पहले थे जो विकलांग थे या फिर लूला थे, जो लंगड़ा था, अब इन शब्दों को बदल दिया गया है, और अब बोला जाता है मेंटली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब सही तरीके, नेत्रहीन अगर बोला जाता है, अंधा नहीं बोला जाता, बोलते नेत्रहीन, और फिजिकली इम्पेयर्ड, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड नॉट बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली डिसेबल्ड बट बिकॉज सोसाइटी मेक्स देम सो। तो लोग जो डिसेबल्ड होते हैं वो डिसेबल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसलिए तो है ही, लेकिन अगर कहने को अगर ये कह सकते हैं कि वो इसलिए नहीं है कि भगवान ने ऐसा उनको बना के दिया है, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि जो समाज है उसने उनकी ज़रूरतों को बिल्कुल भी नहीं समझा है। We are disabled by buildings that are not designed to admit us, and this in turn leads to range of further disablement regarding our education, our chances of gaining employment or social lives and so on. The disablement lies in the construction of society, not in the physical condition of the individual. ये Brissenden 1986 में page 176 में एक disabled इंसान की ये बात है कि हम डिसेबल्ड इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम डिसेबल्ड पैदा हुए हैं, हम डिसेबल्ड इसलिए हैं क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो हमारे हिसाब से नहीं बनती हैं, मतलब कि ना ही अगर मान लीजिए कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो हमारे कंट्री में कहीं पे भी विजुअली इम्पेयर्ड को रास्ते में चलने के लिए कोई भी सहायता नहीं दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अगर आप जापान जाएं या फिर अलग कई डेवलप्ड कंट्रीज़ जाएं तो वहाँ पे तो एक ऐसे रास्ता ही बनी होती है जहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड लोग जा सकते हैं, और जब उनको क्रॉस करना होता है तो बटन दबा के खुद ही वो अपने आप में ही क्रॉस कर लेते हैं। उनको बहुत कुछ ऐसे
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं जिससे कि वो लोगों पे अपने डिपेंड ना हो, लेकिन हम लोग क्या इस तरीके से कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए वो उनकी जो डिसेबिलिटी है वो और भी डिसेबिलिटी बनती जा रही है। ना ही उनको एजुकेशन में कब सपोर्ट दिया जाता है। आपने भी सब लोग इतने सारे बच्चे, आप सब लोग कोई भी हमारा जो वीडियो देखेंगे, आप खुद भी अपने अगर स्कूल को रियलाइज़ करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ रैंप दिया गया है, जहाँ पे कोई बच्चा चल नहीं सकता तो व्हीलचेयर से चढ़ सकता है, क्या हर हर एक फ्लोर में चढ़ने के लिए रैंप प्रोवाइड करा गया है उस बच्चे के लिए कि नहीं किया गया है, या फिर ब्रेल की बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, फिर ब्रेल पढ़ाने वाला कोई टीचर है कि नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो आप हर जगह पर पाएंगे कि ये सब कमी सब जगह मौजूद है, जिसके कारण उनको पढ़ने में भी मुश्किल होती है, और जब वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको पढ़ना होता है तो उनको अपने स्पेशल स्कूल में ही जाना पड़ता है, वो नॉर्मल जीवन दूसरे बच्चों के साथ वो आगे जीवन जी के वो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह क्योंकि जब एजुकेशन बैकग्राउंड भी उनका डिफर हो जाता है तो उनको आगे नौकरी पानी भी मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह इसलिए देखा गया है कि जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी एंड पावर्टी के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। जैसे जो जो लोग ज़्यादातर देखा गया है कि या कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं वो या तो पावर्टी में जीतते हैं, या तो जो पावर्टी में होते हैं वो लोग डिसेबल्ड होते हैं। दोनों का रिश्ता इसलिए है क्योंकि जो मदर है जो वो उसमें अपने बच्चा पैदा होने वाला होता है तब उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता है, और माल न्यूट्रिशन का या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता है, या फिर मदर अपने बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करना होता है वो समय पे नहीं कर पाती है, या फिर जो मदर ऐसे घरों में रहती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिससे कि उनको बच्चा पैदा जब बच्चा वो पैदा होने वाला होता है तब उनको उसके पहले कहीं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और जिसके कारण के बच्चे जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो डिसेबल पैदा होते हैं। और जो डिसेबिलिटी है वो पावर्टी तो लाती ही लाती है, गरीबी तो लाती ही लाती है, उसके कारण एक बहुत अच्छी चीज़ लाती है जो कि आइसोलेशन, मतलब वो दूसरे नॉर्मल स्ट्रीम लोगों से वो अलग हो जाते हैं, उनका अपनी ही एक अलग दुनिया हो जाती है, उनको पैसे की दिक्कत तो होती ही होती है। और ये सिर्फ एक इंसान की परेशानी नहीं होती है, जो एक डिसेबल्ड इंसान के साथ साथ पूरा परिवार भी उसी परेशानी के घेरे में आ जाता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत इंडिया में स्पेशली और वर्ल्ड में भी ज़्यादातर जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो मतलब वर्ल्ड वाइड वो जो बहुत पुअर लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादा डिसेबल्ड लोग पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये पूरा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जो कि है स्ट्रक्चरल चेंज। तो जो ये जो इंडियन सोसाइटी वाली जो बुक है वो पूरी ख़त्म। अगर आप अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर्स ऐसे कवर करे गए हैं कि इसमें कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि बुक में हो और कवर नहीं किया गया हो, चाहे वो बॉक्स में हो, चाहे क्योंकि अब तो इस बार तो जो CBSE का आपने मेरे वीडियोस में जब हमने CBSE न्यूज़ में डाला है कि जो CBSE का जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी सिलेबस में है उसमें सब कुछ आएगा, और NCERT के बुक में स्टार्टिंग में दिया गया है कि ये वाला बॉक्स इस कलर का है उस कलर का है तो आए ये पढ़ना है, ये इवैल्यूएशन के लिए है नहीं है, उन सब का कोई भी मतलब नहीं है, जो भी कुछ दिया है चैप्टर में सब कुछ आएगा। तो वही ध्यान रखते हुए इन सब लेक्चर्स में हर एक चीज़ कवर करी गई है, इसको अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।